दोस्तों आज का ये वीडियो आप पार्ट वन एडमिशन से संबंधित है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी जानकारी होगी आपको इस वीडियो के माध्यम से अपडेट मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले तो जान लीजिए, अगर आप लोग 12th पास कर चुके हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा कल से यानी 26 जून से आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन कौन से वेबसाइट पे होंगे और साथ में आपको कैसे आवेदन करना है और आवेदन में क्या क्या सब डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सभी जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा पार्ट वन सेशन 2022-23 में ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 26 जून से स्टार्ट कर दी जाएगी और साथ ही 15 जुलाई तक छात्र छात्राएं कर सकते हैं आवेदन, यानी 26 जून से लेके और 15 जून तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। काफ़ी लंबे दिनों का समय दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, तो आप लोग घबराइएगा नहीं और आराम से आवेदन कीजिएगा कि 23 जुलाई को आप सभी छात्रों का सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। जो भी उसमें छात्रों का नाम चयनित कर लिया जाएगा उन सभी छात्रों का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। यहीं पे ध्यान देने वाली बात है, जिन छात्रों का नाम नहीं आता या किसी प्रकार की गलतियां हैं तो वो छात्र उसी समय सुधार करवा सकते हैं। अब दोस्तों मैं इस न्यूज़ को पहले आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम खंड कला वाणिज्य व विज्ञान विषयों में छात्र छात्राएं 26 जून से लेकर 15 जुलाई तक नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 16 से 20 जुलाई के बीच में ₹100 विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह निर्णय शुक्रवार को विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर SP सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया है। बैठक में कहा गया है कि आवेदित छात्रों के नामांकन फॉर्म में यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो वो प्रतिष्ठा के विषय व चयनित कॉलेजों को छोड़कर अन्य प्रकार की जो भी त्रुटि होगी उसका निवारण 21 जुलाई तक करा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन भरेंगे उस समय किसी कारण से आप लोग को कोई भी गलतियां हो जाए, तो इसमें फर्स्ट नंबर गलती, अगर आप ऑनर्स पेपर चुनने में गलत कर देते हैं तो ये आपका बाद में चेंज नहीं होगा, और साथ में आपने जो कॉलेज चयन किया है यानी सेलेक्ट किया है वो कॉलेज द्वारा चेंज नहीं होगा। इसलिए ये दो चीज़ है, आप लोग अपना समझ के और इसके बाद ही फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। हो सके तो आप लोग CSE थ्रू फॉर्म फिलअप करवाइए या खुद से भी कीजिएगा। कैसे करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारियाँ कल के वीडियो में दे दूँगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बताया गया, विश्वविद्यालय की ओर से 23 जुलाई को नामांकन के लिए छात्रों का प्रोविजनल सूची भी जारी कर दिया जाएगा और 28 जुलाई से नामांकन की भी प्रक्रिया यानी प्रथम मेरिट लिस्ट के 28 जुलाई को प्रथम मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। 29 जुलाई से लेकर और 13 अगस्त के बीच में चयनित छात्रों को कॉलेजों में नामांकन ले सकते हैं, जबकि नामांकित छात्रों का वर्ग 16 अगस्त शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक यूनिवर्सिटी की ओर से जो ऑफिशियल PDF जारी किया जाता है कैलेंडर लिस्ट, वो अभी तक नहीं जारी किया गया है, आज संभवतः जारी हो जाएगा और आते ही मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप लोग को गूगल पे आना है, सर्च करना है खबरी सपाटा और इसके बाद इस पोस्ट पे आपको चले आना है। जब आप लोग इस पोस्ट पर आइएगा तो पोस्ट को आपको अंत तक पढ़ना है और साथ में यहाँ पर सभी जानकारियाँ दिए गए हैं। तो आप लोग नीचे आइएगा तो एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है ऑनलाइन अप्लाई करने हैं तो यहाँ पर लिंक दिया गया है। तो आप लोग का 12th में 45% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप BA से लेते हैं एडमिशन या BSc से या BCOM से, इससे मतलब नहीं है, आपको 45% मार्क्स होना चाहिए तभी आप लोग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उस समय ₹400 फ़ी लगेंगे, वो जनरल स्टूडेंट हो या SC ST के स्टूडेंट हो। किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन होगा ये यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो ऑनलाइन करते समय आपको फ़ोटो लगेगा, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और 12th का मार्कशीट, इसके बाद 12वीं का एडमिट कार्ड और 12वीं स्कूल का छोड़ने का परित्याग पत्र यानी CLC, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड। अगर ये सब उपलब्ध है तो आप लोग एडमिशन कल से करवा सकते हैं, लिंक यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग खबरी सपाटा पर विजिट करते रहे। धन्यवाद।